नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आज से बीजेपी पार्टी, यानी कि आज से मैं सारे रिश्ते तोड़ता हूं बीजेपी पार्टी से, सारे रिश्ते खत्म करता हूं और राजनीति से संन्यास लेता हूं। जी हां, ये शब्द यशवंत सिन्हा के। यशवंत सिन्हा जो 4 सालों से बीजेपी के हाशिए पर चल रहे थे, यानी कि नाराज भी चल रहे थे। मैं आपको बता दूं, सीनियर नेता पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने शनिवार को यहाँ राष्ट्र मंच के अधिवेशन में पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि पार्टी में चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ और साथ ही बीजेपी से सभी तरह से संबंध तोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है। इस अधिवेशन में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने के अलावा कांग्रेस RJD के नेता मौजूद थे और 80 साल के यशवंत सिन्हा मोदी सरकार के GST और नोटबंदी जैसे फैसलों का विरोध कर चुके हैं। यानी कि यशवंत सिन्हा ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा और अरुण शौरी भी, ये 3 नेता हैं जो बीजेपी के हाशिए पर हैं और बीजेपी से नाराज भी चल रहे हैं और बीजेपी के हाशिए पर भी रहते हैं। यानी कि इन तीनों नेताओं की अगर एक राजनीति को देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये तीनों नेताओं का बोलबाला था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार आई तब से इनको हाशिए पर रखा हुआ है। आखिर वजह क्या है, हाशिए पर क्यों रखा, बीजेपी किस तरीके की रणनीति अपना रही है, इनके साथ किस तरीके का बिहेव कर रही है, ये तो खैर वो खुद जानते होंगे। लेकिन शायद क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी तब तो सुषमा स्वराज भी थी, कई ऐसे मंत्री हैं जो मौजूदा में अभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री भी हैं मोदी के सरकार में, लेकिन इन तीनों को, तीनों नेताओं को आखिर क्या कमी थी, क्या प्रॉब्लम थी जिससे बीजेपी के एक ऐसे धड़े में इसको डाला गया कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही। शायद देश का सवाल आएगा तो मैं पीछे, उन्होंने कहा कि अगर देश का सवाल आएगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज उन्होंने एक अधिवेशन में साफ तौर पर बोलते नजर आ रहे थे और यशवंत सिन्हा ने कहा कि यहाँ चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ, ना तो मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। वैसे भी आप सब जानते हैं कि यहाँ से 4 साल पहले मैंने चुनावी राजनीति से संन्यास लिया था। मैंने मना कर दिया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मेरे मन में यही बात थी, अब चुनावी राजनीति में भाग नहीं लूंगा, ऐसा कहना है यशवंत सिन्हा का। कुछ लोगों की समझा कि चूंकि कुछ लोगों ने, वो कहते हैं कि कुछ लोगों ने समझा है कि राजनीति सब अपने को अलग कर लिया है, तो शायद मेरे दिल की धड़कन भी बंद हो गई। मेरी धड़कन बंद नहीं हुई है, आज भी ये दिल देश के लिए धड़कता है, इसीलिए जब कभी देश का सवाल आएगा तो मैं पीछे नहीं रहूंगा, आगे बढ़ चढ़कर उसमें भाग लूंगा, क्योंकि देश का सवाल है। उन्होंने ये भी कहा, कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र खतरे में है आज, और अगर उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो इसलिए खड़ा हूं कि जो देश की परिस्थिति आज के दिन है उस पर आपको और हमको मिलकर सोचने पर विपक्ष कर रहा है। हमारे कितने सारे साथी यहाँ हैं, हम सब मिलकर एक मंच बना रहे हैं जिसका नाम राष्ट्र मंच है, और राष्ट्र मंच में हम लोगों ने यहाँ कहा है कि राजनीतिक दल नहीं है, ना हमारा इरादा है कि हम आगे ऐसे राजनीतिक दल बनाएं, लेकिन देश की परिस्थिति को देखते हुए कुछ चिंता के विषय हैं जिसके बारे में अगर हम आज चुप रह जाते हैं तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें दोषी देंगी कि आप चुप क्यों रहे। और राष्ट्र मंच का निर्माण इसलिए कहा, दोस्तों जानबूझकर मित्रों नहीं कह रहा हूँ, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो क्यों इकट्ठे हुए, इसलिए कुछ है कि हम सबको लगता है कि आज प्रजातंत्र खतरे में है, यानी कि कहीं ना कहीं राजनीति की से प्रेरित। हालांकि एक नेता कितने भी दावे करते हुए नजर आए कि वो राजनीति से प्रेरित नहीं है, वो राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन असलियत में क्या है, असल में यही चीज़ होती है कि राजनीति जो हो रही है वो राजनीति ही है। आखिर यशवंत सिन्हा का जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया लोगों के सामने,
मंच पर खड़े होकर के ये बयान दिया, आइए उसको एक बार देख लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर यशवंत सिन्हा ने क्या कुछ कहा। चार साल से बीजेपी से नाराज चल रहे सीनियर नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने शनिवार को यहाँ राष्ट्र मंच के अधिवेशन में पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि मैं पार्टी और चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, साथ ही बीजेपी से सभी तरह के संबंध तोड़ रहा हूँ। आज लोकतंत्र खतरे में है। इस अधिवेशन में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा कांग्रेस आरजेडी के नेता मौजूद थे। बता दें कि 80 साल के यशवंत सिन्हा मोदी सरकार के जीएसटी और नोटबंदी जैसे फैसलों पर विरोध कर चुके हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मैं यहाँ चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ। वैसे भी आप सब जानते हैं कि यहाँ से चार साल पहले मैंने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया था। मैंने मना कर दिया था कि 2014 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मेरे मन में यही बात थी अब चुनावी राजनीति में मैं भाग नहीं लूंगा। कुछ लोगों ने समझाया कि चूंकि मैंने चुनावी राजनीति से अपने को अलग कर लिया तो शायद मेरे दिल की धड़कन भी बंद हो गई। मेरी धड़कन बंद नहीं हुई है, आज भी ये दिल देश के लिए धड़कता है। इसलिए जब भी देश का सवाल आएगा तो मैं पीछे नहीं रहूंगा, आगे बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लूंगा, क्योंकि देश का सवाल है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो इसलिए खड़ा हूं कि जो देश की परिस्थिति आज के दिन है उस पर आपको और हमको मिलकर विचार करना है। हमारे कितने सारे साथी यहाँ हैं, हम सब मिलकर एक मंच बना रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्र मंच। हम लोगों ने कहा कि ये राजनीतिक दल नहीं है, ना हमारा इरादा है कि हम लोग आगे इसे राजनीतिक दल बनाएं, लेकिन देश की परिस्थिति को देखते हुए कुछ चिंता के विषय हैं जिसके बारे में अगर हम आज चुप रह जाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां हमें दोष देगी कि आप चुप क्यों रह गए। राष्ट्र मंच का निर्माण इसलिए कहा, दोस्तों जानबूझकर मित्रों नहीं कह रहा हूँ, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो क्यों इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हुए हैं कि हम सबको लगता है कि आज प्रजातंत्र खतरे में है। यशवंत सिन्हा ने पिछले चार सालों में मोदी सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की है। उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी जैसे फैसलों का विरोध भी किया। उन्होंने कश्मीर मुद्दे को लेकर सरकार की नीतियों को भी कटघरे में खड़ा किया। इंटरव्यू में सिन्हा ने दावा किया था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा था पर नहीं मिला। पीएम के इस वर्ताव से वे बेहद आहत हुए। एक आर्टिकल में उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी की हालत खराब है, पिछले दो दशक में प्राइवेट क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट सबके कम हो रहा है, जीएसटी को गलत तरीके से लागू किया गया, इससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए, इकोनॉमी में पहले से ही गिरावट आ रही थी, नोटबंदी ने तो सिर्फ आग में ही घी डाला है। इस साल 30 जनवरी को यशवंत सिन्हा ने राष्ट्र मंच की शुरुआत की थी। इसमें वे लोग शामिल हैं जो देश के मौजूदा हालात को ख़राब मानते हैं और उससे खुश नहीं हैं। इसे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने के लिहाज से भी देखा जा रहा है। एक वक्त था जब यशवंत सिन्हा की गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती थी। 2014 में बीजेपी की कमान नरेंद्र मोदी हाथ में आने के बाद सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा जैसे नेता धीरे धीरे हसीये पर चले गए। ऐसा भी कहा जाता है कि यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज थे। यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 में पटना में हुआ था। 1998 में वे पहली बार लोकसभा के लिए चुने। झारखंड के हजारीबाग से सांसद रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 1990 से 1951 की सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त और विदेश मंत्री रहे। 1998 से 2002 में वे वित्त मंत्री और 2002 से 2004 में विदेश मंत्री रह चुके हैं। उनके बेटे जयंत सिन्हा मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं। देखा आपने कि यशवंत सिन्हा किस तरीके से, क्योंकि बीजेपी से तो नाराज थे ही और अभी भी नाराज हैं, राजनीति से संन्यास ले लिया, कई बार मोदी की जो नीतियां हैं उन पर कहीं ना कहीं योजनाओं पर उन्होंने कटाक्ष किया, नोटबंदी को लेकर के कहीं ना कहीं विरोध दर्ज किया था, तो कई ऐसे मसले, कई ऐसे पहलू हैं जहां उन्होंने असंतुष्टि दर्ज की है बीजेपी के लिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।